अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ICSI IVF टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड है और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी है पाकिस्तान में और हर सेंटर में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बहुत से सेंटर्स में जब लोग जाते हैं तो वो आते हैं हमारे पास भी और कहते हैं कि हम तो उस सेंटर में गए और वहां पे तो कॉस्ट 3 लाख है, 2.5 लाख है, किसी में 4 लाख है, किसी में 7 लाख है, तो क्यों डिफरेंस है। तो आज थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि आपकी ये क्वेरी दूर की जाए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन मैसेज अस। बहुत खुशी होती है, मैं फिर एक दफा कहूंगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने अपनी कहा था, क्योंकि बहुत से हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, लोग पूछते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उससे फायदा हो रहा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इससे हटके कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि IVF, ICSI यानी टेस्ट ट्यूब, तीनों एक ही तरह के प्रोसीजर्स हैं, इनकी क्या कॉस्ट है। तो पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट डिफरेंट क्यों है? इसकी डिफरेंट कॉस्ट इसलिए है कि बहुत से IVF सेंटर ऐसे हैं जिनके पास फ्रीजिंग का ऑप्शन नहीं होता। वो आपको फ्रेश साइकिल, यानी कि आपने डिसाइड किया कि हम IVF कराएंगे तो आप उनके पास जाते हैं, वो आपके 2 से 3 हफ्ते में आपका प्रोसीजर करके आपके एम्ब्रियो बना के, 1 से 2 एम्ब्रियो बना के, उनकी कोशिश यही होती है कि 1 या 2 बन जाए। फ्रेश साइकिल में यही करते हैं बहुत से IVF सेंटर जिनके पास फ्रीजिंग की ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपके ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन गए तो उनको फ्रीज करने की ऑप्शन नहीं होती है। तो वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर क्या करते हैं कि 10 से 12 दिन, जैसे मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है कि प्रोसीजर कैसे होता है, आप वो मेरी जरूर स्टडी कीजिएगा वीडियो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि IVF के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो 10 से 12 दिन जब आपको रेगुलरली इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके एग स्टिमुलेट, फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे होते हैं ओवरी में और आपके एग बन रहे होते हैं। तो जो इस तरह के सेंटर्स हैं जो आपका फ्रेश साइकिल लेते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आपकी ओवरी में टोटल अगर फॉलिकल 4 से 5 हैं तो वो उनको स्टिमुलेट करते हैं और 12वें या 13वें दिन जब वो उनको रिट्रीव करते हैं तो उसमें से जरूरी नहीं है कि सारे फॉलिकल्स में से ही एग निकलेंगे, 1 या 2 एग निकल आते हैं। उनको स्पर्म सैंपल जो आपके हस्बैंड है वो सेम टाइम जब आपका ओवम पिकअप होता है तब देना पड़ता है फ्रेश सैंपल, उनको फर्टिलाइज करते हैं लैब में, और उसके बाद अगर आपका 1 या 2 एम्ब्रियो बनते हैं वो रख के तो बाकी बात खत्म। आपको दोबारा से अगर आपका ये पॉजिटिव हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं होती। आपने अगर दोबारा IVF से कंसीव करना होता आफ्टर फ्यू इयर्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहती है तो आपने दोबारा अगर ये चांस लेना चाहते हैं तो आपको ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। इसमें कुछ इंजेक्शंस, कुछ पेशेंट्स पूछ रहे थे कैसे लगते हैं, तो कुछ पेट पे लगते हैं, कुछ मसल में लगते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर आपको दोबारा सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा कि दोबारा से 1 महीना लग के सारे आपको इंजेक्शंस लगेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे फॉलिकल्स और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, AMH लेवल आपका मैटर करेगा, आपका ओवेरियन रिजर्व मैटर करेगा। तो ये चीज होती है, उनके पास फ्रीजिंग ऑप्शन नहीं होता और उनकी कोशिश भी ये होती है, और उसमें जो दवाइयां वगैरह इंजेक्शन यूज हो रहे होते हैं वो भी कम से कम यूज हो रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर नहीं यूज किए जाते, क्योंकि आपको पता है फ्रेश साइकिल है, फ्रीजिंग का ऑप्शन नहीं है, 1-2 भी मिल गए तो बड़ी बात है। तो इसलिए वहां पे लो कॉस्ट होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में वो लोग कर लेते हैं। इसी तरीके से जो सेंटर्स 6 से 7 लाख ICSI का लेते हैं या 5.5 लाख, 5 लाख लेते हैं, बहुत से सेंटर्स में डिफरेंट है। जैसे कराची में डिफरेंट कॉस्ट है, लाहौर में डिफरेंट कॉस्ट है, इस्लामाबाद में डिफरेंट IVF सेंटर्स की डिफरेंट कॉस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे आपसे डिस्कशन के बाद आपकी कंसल्ट आपसे डिस्कस करती है, और ये आजकल काफी एडवांस हो चुका है क्योंकि एम्ब्रियो बैंकिंग को बहुत रुझान मिल रहा है, इसको गोरे काफी प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये आप काफी हद तक इन हो चुका है। इसमें क्या होता है कि सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स ग्रो किए जाते हैं, यानी कि आपके दोनों ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग रिट्रीव किए जाए, उनको फर्टिलाइज किया जाए। अगर जैसे कि 12 से 14 आपके फॉलिकल देखें, आपका ओवरियन रिजर्व अच्छा है और वो मिल गए हैं, और कोशिश होती है कि वो सब के सब में से अगर मेच्योर एग मिल जाते हैं तो उनको फर्टिलाइज करके सारे एम्ब्रियोज बनाए जाए। जरूरी नहीं है कि जितने मिले हैं उतने ही फर्टिलाइज होंगे, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद पता चलता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको इंजेक्शंस लगते हैं, उनकी मैक्सिमम डोजेस लग रही होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग कलेक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है कि अगर आपके सारे के सारे एम्ब्रियोज बन गए हैं, सारे के सारे एग स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एम्ब्रियोज रखे जाते हैं वो 3 और कम से कम 1 रखा जाता है ताकि, और वैसे प्रोटोकॉल 2 का है कि अगर लाइनिंग से एक अटैच नहीं हो रहा तो एटलीस्ट दूसरा तो अटैच हो जाए, चांसेस बढ़ जाते हैं ना इस तरह से एम्ब्रियो होने के, उसके साथ अटैचमेंट के और प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के। तो उसमें क्या होता है कि जब आपके इतने एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उसमें से 2 अगर आपने रख लिए तो बाकी 7-8 जितने बाकी बचे हैं वो फ्रीज हो जाते हैं आपके। आप उसके बाद का साइकिल, अगर आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं रही, मिक्स कैरेज हो गया है, ब्लाइटेड ओवम है, या फिर आप डिलीवर हो चुके हैं 2-3 साल के बाद आप दोबारा कराना चाहते हैं, तो आपके सेम एम्ब्रियो पड़े होते हैं, आप उनको दोबारा ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इनकी कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये प्रोसीजर होता है। और फ्रीजिंग का कोई टाइम लिमिटेड नहीं होता, उस पर क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो होप्स आपको क्वेरी क्लियर हुई होगी कि इनकी कॉस्ट में क्यों डिफरेंस होता है, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप ऐसे ही सेंटर में जाएं जहां पे फ्रीजिंग का ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बेनिफिट है कि आपको बार बार इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। आप जब दोबारा फ्रीजिंग का साइकिल लेते हैं उसमें आपके ओवरीज का कोई काम नहीं होता, आपके एग्स नहीं चाहिए होते, आपका मियाँ बाहर भी जा सकता है, उसको आके सैंपल नहीं देना पड़ता क्योंकि एम्ब्रियोज फर्टिलाइज होकर बने हुए होते हैं। आपको उसके लिए उससे भी हाफ पेमेंट देनी पड़ती है, लाइक 1.5 लाख, कुछ जगहों पे 1 लाख, 1.25 लाख, इसमें आप दोबारा से वो साइकिल गेन कर सकते हैं। उसमें ओरल मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं और डे 18 और 21 के दरमियान आपको दोबारा ट्रांसफर किया जाता है, आपकी लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रिपेयर की जाती है। बास लोगों की नेचुरली बन जाती है ओरल मेडिकेशन से, और कुछ लोगों के लिए बीच में इंजेक्शन भी डाले जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको होप्सो आइडिया हो गया होगा कि कॉस्ट में क्यों डिफरेंस। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे और एक दफा फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन लेके। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।